पहले जो हम फेसबुक लाइव आए हुए थे और आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ पे प्रशासन की टीम के द्वारा जो है कितना देर लगेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है एनडीआरएफ की टीम अब आ चुकी है और अपने सामान को लेकर के जो है इस नदी में जाने के लिए जो है अब रेडी है। देखिए यही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है एनडीआरएफ की टीम जो है और यहाँ पे जो है अब पानी के अंदर उस लड़का के शव की तलाश में जो है अभी पड़ेगी। देखिए यही है एनडीआरएफ की टीम जो कि अभी सर्च ऑपरेशन के लिए जो है निकलने वाली है। हालांकि बहुत देर इन लोगों ने कर दिया है और लगभग जो है इन लोगों को यहाँ पर आए हुए अभी हमको लग रहा है कि 40 से 45 मिनट हो गया है, उसके बाद जो है ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। देखिए आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे कि अभी जोमनगर में जो बच्चा का डूबने के कारण जो है अभी उसका शव नहीं मिल पाया है, उसी शव के तलाश में जो है यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है अब अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है जा रही है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि कितने देर के बाद जो है इन लोगों की अपनी सफलता मिल रही है और यहाँ पे देखिए कि लोगों का कितना बड़ा जमावड़ा है और बहुत से जो है लोगों की यहाँ पे भीड़ एकत्र हुई है। देखिए आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो है बच्चा के शव के तलाश में जो है अब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है करने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है अब यहाँ पे अब इस नदी में जो है अब अपने सामान को लेकर के प्रवेश कर रही है। और देखिए आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम इस नदी से जो है हम कवरेज कर रहे हैं और यहाँ देखिए यही है नरकटियागंज का जो है बलोर नदी और या आप इसको जो है हड़बोड़ा के नाम से जानिए और यही वो पुल था जहाँ से जो है 16 वर्षीय युवक के जो है गिरने के कारण जो है उसकी अभी शव जो है नहीं मिल पाई है और उसी की तलाश में देखिए ये एनडीआरएफ की टीम जो है अब पहुंची हुई है और अब देखिए ये लोग जो है अब अपने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज्यादा लोगों की जो है भीड़ एकत्र हुई है और लोगों की जो है भीड़ सभी लोगों का बस यही इंतजार है कि किसी न किसी जो है सफलता की वजह से उस बच्चा की जो है शव जो है मिल जाए। और देखिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के लिए जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे घुसी हुई है उसके एक स्टाफ अभी वो अपने जो है कुछ सर में लगाने के लिए कुछ इशारा किए हैं मांगे हैं और देखिए अभी ये लोग जो है अब अपने टीम को लेकर के जो है अभी अंदर जा चुके हैं और यहाँ पे शायद कुछ स्थानीय लोग भी जा रहे हैं। देखिए ये स्थानीय लोग हैं ना, स्थानीय लोग भी जो है एक दो यहाँ पे अभी जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लाइव तस्वीरें हरबोड़ा नदी से और देखिए ये लोग हैं और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी जो है उस पर बैठी हुई है। हालांकि देखा जा रहा है कि अब कितने देर कठिन परिश्रम के बाद जो है यहाँ पे बच्चा के शव को जो है बरामद किया जा रहा है और मुझे जो है यहाँ के जो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बच्चा के डूबे हुए लगभग दो घंटा से ऊपर हो गया और जो है अभी ये लोग जो है देखिए अभी रेस्क्यू टीम जो है नदी के अंदर अब प्रवेश कर चुकी है और देखिए अब वे अपना जो है मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए और यहाँ पे और सारे भी जो है यहाँ पे स्टाफ आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ग्रामीणों का कितना ज्यादा जो है भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें हड़बोड़ा नदी से और आप देख सकते हैं अभी जो है थोड़ी डिले कर रहे हैं लोग, ये लोग रेस्क्यू में बहुत ज्यादा जो है डिले हो रहा है और समय जो है बहुत ज्यादा लग गया इन लोगों को। हालांकि जब घटना हुआ है उससे कुछ जो है समय बाद यदि यहाँ पे ये लोग आ जाते तो शायद मुझे लगता है कि बच्चा के शव को जो है बरामद कर पाते लोग, लेकिन अभी प्रयास लगाई जा रही है और आप देखिए कि अब रेस्क्यू एनडीआरएफ के टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है क्या बच्चा का जो है शव बरामद किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरें जो है देख सकते हैं यहाँ से और आपको जो है हम यहाँ से कवरेज दिखा रहे हैं। देखिए अभी एनडीआरएफ की टीम कैसे जो है अपनी कवरेज कर रही है और जो है यहाँ पे 16 वर्षीय युवक की जो है इस नदी में डूबने के कारण उसकी शव बरामदी में यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है लगी हुई है और वे जो है अब यहाँ पे अपने प्रयास लगा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है उस लड़का का जो है शव को हम जो है बरामद कर सकें। और देखिए थोड़ा हटिए साइड में, देखिए अभी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग थे जिनको जो है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है उतार दिया गया है और बाकायदा अब उनकी टीम के द्वारा स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की जाएगी। और देखिए वहाँ पे हम पुल पर दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पे यहाँ की स्थानीय प्रशासन की टीम भी जो है पहुँची हुई है और उन्हीं के पहुँचने के बाद जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और देखिए और भी जो है एनडीआरएफ की टीम जो है
अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा ही जो है यहाँ पे अब सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। और अब एनडीआरएफ की टीम क्या कुछ इसमें कामयाबी को जो है अपने हासिल कर पा रही है, अब इसी प्रयास में सारे लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के कितनी झिमौड़ा लगी हुई है और कितने सारे जगह जगह से भिन्न भिन्न जगह से जो लोग हैं वे लोग आ रहे हैं। और अभी देखिए यहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा है और हम आपको जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें हम अपने फेसबुक पेज पे। और आप देखिए अब एनडीआरएफ की टीम जो है पूर्णतः काम करने के लिए सर्च ऑपरेशन के लिए जो है अब लग चुकी है। और अब देखिए दिखाया जा रहा है कि कितने घंटा मेहनत करने के बाद जो है एनडीआरएफ की टीम को जो है सफलता मिलेगी। और आप जो है अब जब तक यहाँ से एनडीआरएफ की टीम शव को बरामद नहीं कर लेती है शायद मुझे लगता है कि वे यहाँ से जाने के लिए जो है अभी रेडी नहीं होगी। हालांकि देखा जा रहा है प्रयास तो लगाई जा रही है कि हम शव को बरामद कर लेंगे, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा कितना हद तक जो है अपने मिशन में सफलता मिलेगी यह जो है अब देखा जाएगा। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ से, देखिए अब एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से जो है अपनी रेडी हो चुकी है और वे जो है अब सर्च ऑपरेशन के लिए जो है अब अपने कामों में जो है लग चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ की टीम बलोर नदी रेलवे पुल के एकदम समीप में, और आप देखिए ये लोग जो है अब सर्च ऑपरेशन के लिए लगे हुए हैं। और बच्चे के शव की बरामद कैसे किया जाए और शव को कैसे जो है अपने कब्जे में इस नदी की धारा से किया जाए और इस नदी से उस लड़का के शव को कैसे निकाला जाए, बस इसी चीज में देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो एनडीआरएफ की टीम को कुछ बता रहे हैं कि आखिरकार कहाँ पे जो है लड़का के डूबने के कारण जो है उसकी मौत हुई है। यही वो हैं जो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को बता रहे हैं। देखिए आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए यही है एनडीआरएफ की जो अपनी है वो टीम। देखिए एक और एनडीआरएफ की जो है नाविका जो है इस नदी में अब प्रवेश करने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है इनके द्वारा अब यहाँ पे लाइव जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए अब ये लोग जो है फिर नदी के तट पर आ गए और अब इसके बाद जो है ये लोग अब अपने रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे और जो है अपनी सफलता में जो है कामयाबी हासिल कर पाएंगे यह जो है हम लोग देखेंगे आगे चल के। देखिए हालांकि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है डिले किया जा रहा है और यहाँ पे जो है एनडीआरएफ की टीम जो है उतनी सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है जितनी जोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा को डूबे हुए लगभग 2 घंटा हो गया और अभी एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू में जो है डिले कर रही है और देरी लगा रही है। देरी के कारण हो सकता है कि एनडीआरएफ की टीम को कुछ हासिल ना हो पाए, ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है, लेकिन सफलता मिल जाए यही यहां के जो है ग्रामीणों का जो है कहना है। आप लोग ऊपर जाइए, देखिए ये लोग जो है अब ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे जो कि एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बहुत ही देरी लगाई जा रही है। यदि इतनी देरी लगाई गई तो हमको लगता है कि बच्चा के शव को जो है बरामद ही नहीं। सर आप कौन होते हैं रोकने वाले, आप कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं आप कौन, क्यों बोले आप साइड में जाइए, आप कौन होते हैं यहाँ पर रोकने वाले हमको? अच्छा भैया हो रहे हैं हम लोग, आप क्यों आप क्यों रोक रहे हैं हमको कवरेज करने के लिए? कवरेज करने के लिए क्यों रोक रहे हैं यार? देखिए एनडीआरएफ के ऑफिसर हैं, इनको देखिए कि आप उधर जाइए कवरेज करने। सर आप डिले कीजिएगा तो यहाँ पे कोई भी आरोप लगाएगा ना डिले हो रहा है। देखिए यहाँ पे लगभग कितने टाइम, जी 15 मिनट में हमने देखा, टाइम देखा हमने। सर आप देखिए ये है एनडीआरएफ के जो है कोई स्टाफ है यहाँ पे मेंबर और इनके द्वारा देखिए हमने समय देखा है सर, उसके बाद हम बोले। देखिए अब यहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, देखिए और आप पूरी लाइव तस्वीरें जो है हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धूमनगर का बलोर नदी है इसको, और यहाँ पे देखिए इसी तरह से जो है यहाँ पे लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है बच्चे के शव के बरामदगी के लिए एनडीआरएफ की टीम कठिन परिश्रम करते हुए अपनी सफलता और बच्चे के शव को बरामद करने के लिए कठिन परिश्रम करते हुए दिख रही है। और यहाँ पे जो है अभी एनडीआरएफ की टीम अपनी सफलता में कैसे कामयाब होया जाए उसकी पूरी जो है मनसा से मेहनत कर रही है।
देर ही सही यदि बच्चा की 100 की बरामदी हो जाती है तो यह यहाँ के गाँव के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और उस बच्चा के माँ और पिता के लिए जो है एक सबसे बड़ा खुशी की बात होगा जब बच्चे का 100 की जो है बरामदी कर ली जाएगी। अभी देखिए NDRF की टीम जो है पूरी जोर शोर से मेहनत में लगी हुई है कि किसी भी तरह से करके और यहाँ पे जो है 100 की बरामदी किया जाए और उसको बरामदी करने के बाद जो है 100 बरामद करने के बाद जो है उसके परिजनों को जो है सौंप दिया जाएगा। और यहाँ पे स्थानीय प्रशासन भी जो है आई हुई है और वे जो उन्हीं के मदद से जो है यहाँ पे NDRF की टीम को बुलाया गया और बकायदा बुलाने के बाद जो है अब यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चालू है और बच्चे की 100 की तलाश में जो है यहाँ पे NDRF की टीम जो है लगी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव तस्वीर कैसे NDRF की टीम जो है इस 100 को बरामदी के लिए की रही है। देखिए आप एकदम बिल्कुल देख सकते हैं लाइव तस्वीर। NDRF की टीम के द्वारा काफ़ी कठिन मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे और डूबे हुए बच्चे के 100 की बरामदी के लिए जो है यहाँ पे NDRF की टीम जो है कठिन परिश्रम कर रही है। प्रयास लगाया जा रहा है कि NDRF की टीम इस मिशन में सफल होगी लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि वे लोग जो है कितनी सफल जो है अपने मिशन में हो पा रहे हैं। हालांकि यहाँ के ग्रामीणों के कहना है कि वे लोग कम से कम इस 100 की बरामदी हो जाए जिससे उनके माता और पिता के चेहरे पर एक रोशनी आए और वे कम से कम अपने बच्चे के 100 को लेकर के एक अपने आप को सहानुभूति महसूस करें। और यहाँ पे ग्रामीणों के अंदर भी जो है एक खुशी का सबसे बड़ा जो है मंजर खड़ा होगा यदि बच्चे की 100 की बरामदी कर ली जाती है। तो आप देख सकते हैं NDRF की टीम के द्वारा बिल्कुल ही जो है स्पष्ट रूप से जो है आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे कवरेज किया जा रहा है और यहाँ पे जो है NDRF की टीम के द्वारा और कवरेज किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की चमौड़ा है भीड़ लगे हुए लगाए हुए जो लोग जो है सभी लोगों को चेहरा पर एक मासूम मातम छाया हुआ है और सभी लोग बस इसी प्रयास में है कि किसी भी तरह से जो है बच्चे की 100 की बरामदी कर ली जाए और बच्चे की 100 को जो है इस नदी के तेज धारा से निकाल करके उसके परिजनों के हवाले कर दिया जाए ताकि उनके परिजनों के बीच में एक खुशी का जो है माहौल बने और वे लोग कम से कम अपने बच्चे की 100 की को लेकर के और अपने आप को जो है सहानुभूति को महसूस करें। और यहाँ पे NDRF की टीम पूरी तरह से जो है मेहनत कर रही है। देखिए अब दूसरी भी जो है यहाँ पे जो NDRF की नाव है वह चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और देखिए अब ये भी स्टार्ट कर ली गई है और इसके द्वारा भी जो है किया जा रहा है और पूरी तरह से जो है अब यहाँ पे NDRF की टीम के द्वारा जो है मेहनत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो है हो करके यहाँ पे उसको सफल बनाया जाए। और जो है अभी तक फ्रेंड्स 100 को जो है बरामद नहीं किया गया है हालांकि NDRF की टीम जो है यहाँ पे मेहनत कर रही है। अभी तक इतनी इस नदी में जो है तेज धारा है जिसके कारण थोड़ी सी समय लग सकती है लेकिन NDRF की टीम जब यहाँ पे पहुँच चुकी है तो पूरी आशा है यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर कि 100 को बरामद किया जाएगा और 100 को इस नदी के तेज धारा से जो है निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब NDRF की टीम बहुत ही जोर शोर से अपनी कठिन परिश्रम को कर रही है और देखिए आपकी NDRF की टीम के द्वारा काफ़ी हद तक जो है मेहनत किया जा रहा है और यही प्रयास लगाया जा रहा है कि बच्चे की 100 की बरामदी किया जाए। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस नदी में इतनी पानी है जिससे 100 को बरामद करना जो है थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है लेकिन वक्त लगे लेकिन यहाँ के लोगों के ऊपर एक मुस्कुराहट सी तब आएगी जब यहाँ पे डूबे हुए बच्चे की 100 की बरामदी यहाँ से NDRF की टीम यदि कर लेती है तो। और यह जो है
बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए जो है खुशी की बात होगी जब यहाँ पे NDRF के टीम के द्वारा बच्चा के शव को जो है बरामद कर लिया जाता है और इस नदी की तेज धारा से जो है बच्चे के शव को निकाल करके उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो यहाँ के ग्रामीणों में भी एक खुशी का माहौल बनेगा कि कम से कम उसके परिजनों को अपने बच्चे की शव को ले करके और जो है वह कम से कम संतुष्टि महसूस करेंगे और अपने आप को जो है एक संतुष्ट महसूस करेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो है यहाँ पे शव की बरामदी नहीं की गई है। लगभग NDRF की टीम को इसमें घुसे हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं लेकिन अभी भी जो है किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। हालांकि जब NDRF की टीम अपनी एक सर्च ऑपरेशन को जब पूरी कर लेगी तो अब हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है ये लोग अपने मिशन में कितने देरों में जो है सफलता हासिल कर पाएंगे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें पूरी दोनों तट पे लोगों का जमावड़ा एक लगा हुआ है। देखिए आप उस साइड भी जो है तट के ऊपर देखिएगा तो इधर ये चलने वाली पुल है वहाँ पर भी आप देखिएगा तो लोगों की जमावड़ा पूरी लगी हुई है। पूरा पुल जो है लोगों से खचाखच भरा हुआ है। सारे लोगों के ऊपर एक ही एकमात्र विश्वास है इन NDRF की टीमों के से कि वे लोग कम से कम बच्चे के शव की बरामदी कर ले ताकि उनकी चेहरा पर एक मुस्कान जो है खिले और बच्चा के शव को बरामदी करने के बाद जो है वे लोग जो है अपने परिजनों को एक सहानुभूति दे सके बच्चे की बॉडी को जो है एक्सेप्ट करे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर द्वारा जो है इशारा किया जा रहा है कि आखिर बच्चा कहाँ गिरा हुआ और NDRF की टीम उन्हीं के अनुभव पर जो है अपनी सर्च ऑपरेशन कर रही है। देखिए आप लाइव तस्वीरें वहां से कुछ लोग खड़े होकर के और NDRF की टीम को बता रहे हैं कि बाकायदा बच्चे के गिरने के कारण जो है वे कहाँ पे जो है डूबा हुआ है और देखिए वहाँ पे जो है अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है NDRF की टीम के द्वारा। और देखिए वहाँ पे जब लोग बता रहे हैं बाकायदा फिर NDRF की टीम जो है वहाँ पे कवरेज कर रही है और ये NDRF की टीम जो है लगातार कवरेज के जो है पूरी कोशिश में है कि हमें सफलता मिल जाए। हालांकि हम आप लोगों को जो है पल पल की अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर NDRF की टीम को जो है कहां तक सफलता मिल पाए।